सबसे पहले पंकज मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। दो साल पहले अभिनंदन आया था, पता नहीं कौन से अजय देवगन से इंस्पायर होके इम्प्रेस होके, लेकिन जब उसको पता चला कि घर में घुसकर मारा तो डायलॉग है, ये फिल्मों की हद तक चलेगा, बॉलीवुड की हद तक चलेगा, लेकिन पाकिस्तान में आया किस तरह तैयारा नीचे गिरा, पाकिस्तानी आवाम ने उसकी दुर्गत बनाई, फिर पाकिस्तानी फौज का भला हो, वो दुआएं देता होगा पाकिस्तानी फौज को कि उन्होंने फिर उसको उस आवाम से छुड़वाया जो कि बहुत जोश में थी, उसको बहुत मारने के लिए तैयार थी, फिर पाकिस्तानी फौज ने अच्छे तरीके से उसको मेहमान उसकी नवाजी की और उसको चाय पिलाई। क्यों भेजा था अभिनंदन को इतनी मार पड़वाने के लिए? देखिए, मार पड़वाने के लिए भेजा था, ये आपका जो इतना नैरेटिव है कि मोदी सरकार और अच्छा तो आपका नैरेटिव डिफरेंट है। हम हमेशा सच के साथ रहते हैं और जिस कश्मीर को लेकर अच्छा, के आपने अच्छा। इतना कुछ बोला, उसके जो महाराजा थे हरि सिंह, उन्होंने बाद में आपको याद होगा नेहरू जी के साथ एक मुआयदा किया था जिसके तहत उन्होंने बोला था हम भारत के साथ रहना चाहते हैं, फिर नाजायज कब्जा आपने किया था, हमने नहीं किया था। और रही बात अभिनंदन को भेजने की, तो जितनी बार भी आपकी तरफ से टेररिस्ट भेजे जाएंगे हम एक नहीं हजार अभिनंदन भेजेंगे, ऐसा हमारी एयरफोर्स करेगी। और रही बात अभिनंदन से छोड़ने की, तो आपके ऊपर वर्ल्ड प्रेशर था तो आपको छोड़ना था, और जो एक वॉर प्रिजनर्स एक्ट एग्रीमेंट है उसके तहत आपको छोड़ना था। और चलिए ये अच्छा है कि आप में सुधार आ गया है कि आप लोग छोड़ने लगे, वरना वो दिन भी हमने देखे हैं जब आपने हमारे सैनिकों को जो कब्जे में लिए थे उनके जो डेड बॉडीज हैं वो किस तरह से भेजी हैं, उनके इंटरनल ऑर्गन्स तक निकाल लिए, उनकी आंखें निकाल लिए, उनके बॉडी को टुकड़े टुकड़े करके भेजा, ऐसा भी किया है आप लोगों ने। अच्छा मुनीब, आप कैसे देख रहे, क्या कह रहे हैं ये? अब इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के ऊपर जी वर्ल्ड प्रेशर था, ये था वो था। दरअसल मैं बता देता हूँ, आप कहना चाह रहे हैं कि जिनीवा कन्वेंशन था, थर्ड जिनीवा कन्वेंशन, वो प्रिजनर्स ऑफ वॉर के साथ डील करता है, तो आप ये मान रहे हैं एक तरह से, आपकी तो अपने नैरेटिव में कॉन्ट्रडिक्शन है कि आपने वॉर करने की कोशिश की थी और पाकिस्तान ने आपके उस अटैक को सक्सेसफुली रिपेल किया, उसको ख़त्म किया, क्योंकि प्रिजनर ऑफ वॉर की प्रोटेक्शन अभिनंदन पे सिर्फ तब लगती है अगर कोई वॉर लाइक सिचुएशन भी थी, तो फिर मोदी ये क्यों कह रहा था कि वॉर नहीं है उनकी तरफ से, वो ये क्यों कह रहा था कि वो ऊपर से अपने जेट वगैरह हेलीकॉप्टर उड़ा रहे ऐसे ही बस हम लोगों को अपनी तरफ से वार्न करने की कोशिश में, वो भी उसको उल्टी पड़ गई। और मुझे ये बात समझ नहीं आती कि अभिनंदन आप लोगों के लिए इतना बड़ा हीरो क्यों है, क्योंकि वो तो नीचे आकर गिरे, उसने आपका क्या नाम रोशन किया, उठा के अपने मेडल्स दे दिए उसको, तो हम लोगों ने बल्कि उसकी मेहमान नवाजी वगैरह की, उसको बेचारे को चाय वगैरह पिलाकर भेज दिया। आप ये कुछ कह रहे हैं, जरा क्या कहिए जी, कहिए कि दोबारा पंकज जी। मैं ये कह रहा था कि वॉर जो है ना, आप लोग टेररिस्ट भेजते हैं, वॉर सीधी वॉर आप कभी जीत नहीं सकते, इसीलिए आप लोगों ने टेररिस्ट का सहारा लिया। और 1965 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी ये बात, अगेन ये आपने थोड़ा गलत आप समझ गए हो, कुलभूषण जाधव भारत की तरफ से आए थे, कुलभूषण जाधव भारत का भेजा हुआ है, और आप ही के इंडियन चैनल्स के ऊपर आप अगर देख लें तो ये मेजर गौरव आर्य अपना फोन दिखाकर जो बातें करता रहता है वो किन की बातें करता रहता है? मेजर गौरव आर्य जो धमकियां देता है पाकिस्तान के हवाले से वो कहां की देता है? तो मेरे ये कहने का मतलब कि सीमाओं का उल्लंघन ना कीजिए, आतंकवादी या आतंकवाद इनको आप कंडेम कीजिए, आतंकवाद की तरफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। तो आप कंडेम कीजिए आतंकवाद को, उसी तरह से ये फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने भी लिखा है कि भारत के अंदर दाएश IS वो एक हब बन चुका है, तो आपको क्रैकडाउन करना पड़ेगा टेरर पे, और फिर प्रज्ञा सिंह ठाकुर जैसे आतंकवादियों को तो जेल खाने में होना चाहिए, वो लोकसभा में बैठकर क्या कह रही है? तो मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि बंद कीजिए टेरर, बंद कीजिए।